की बात नहीं कर रहा, ये ग्लोबली बात कर रहा हूं। तो मैं अगेन उसको मैच नहीं करना चाह रहा, बट स्टिल जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपके साथ ये जो आर्क वाला मैंने पैटर्न भी शो किया ना, ये बता रहा है कि मार्केट हो सकता है कि दिसंबर तक कहीं हम 40,000 के नीचे कहीं खड़े हो सकते हैं। तो उसके पीछे भी रीजन कुछ भी आ सकता है कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है बढ़ गया खुदा ना खास्ता। अभी आप देखें ना, मतलब मेरे मुंह में खाक, लेकिन 15 दिन पहले क्या सैलाब का इतना बड़ा इम्पैक्ट किसी को नजर आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, पर एकदम से नजर आ गया कि यार ये तो जो इतना बड़ा नुकसान है जो शायद पेपर पे हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जो फंडिंग हमें बाहर से आनी थी उसके तो पता नहीं कितने टाइम्स ज्यादा हम लॉस में अब तक खड़े हो गए। तो अगेन देखें, अब आप ये सोचोगे कि मैं इस खबर को देख के मार्केट में एग्जिट लेने की बात करूं, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे 210 खड़ी हुई है, सीमेंट सेक्टर जो ऑलमोस्ट पूरा कैप पे लगा हुआ है, तो मैं क्यों एग्जिट लूँ? तो यहीं पे आपको जो है ना मार्केट डॉच करती है। मार्केट आपको डॉच किस तरह करती है कि मार्केट आपको ये दिखाती है, जैसे अगेन मैं कल की आपको मिसाल देता हूँ EPCL की, मार्केट में 1 करोड़ शेयर का काम हो चुका था कैप के ऊपर, आज मार्केट में 26 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है और मार्केट EPCL में, और EPCL 50 पैसे डाउन है। तो EPCL ने डॉच किया ना, EPCL ने किन लोगों को डॉच किया? उन लोगों को डॉच किया जो कल पोजिशन बेचने का सोच रहे होंगे, क्योंकि उससे एक दिन पहले शायद 58 या 59 का रोल आया था, कल शायद पोजीशन बेचने का सोच रहे होंगे लेकिन कल कैप लग गया, नहीं बेच सके। आज यही सोच के कर रहे होंगे कि कल तो कैप लगा था, आज भी नया कैप लगेगा, वो 50 पैसे डाउन है। तो जो प्ले करने वाला होता है ना, वो आपकी साइकी से इस तरह खेलता है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर होता ना तो मेरे बच्चे या आपके बच्चे, आजकल 15-16 साल का जो बच्चा है उसका IQ लेवल हमसे 3 टाइम्स ज्यादा है, जिस तरह से उनको एजुकेट किया जा रहा है स्कूल्स में। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें सिर्फ किताबी कीड़ा बना के पढ़ाया जाता था, आज उनको बहुत सारे स्कूल्स में जो किताब में लिखा होता है ना उसके अलावा 4 किताबें और उनको दिलवाई जाती हैं कि आप रेफरेंस से काम करो। तो उनका IQ लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे है। अब उस नेक्स्ट लेवल पे इसका IQ लेवल है, वो अगर ब्लूमबर्ग देख रहा है या जियो देख रहा है या ARY देख रहा है, और वो देख रहा है कि खबर ये आ गई, तो खबर देख के तो पोर्टफोलियो मैनेजर वही बन जाए, बन सकता है ना। बट क्या हमेशा यही होता है कि आप जब खबर पे सोच के आते हो ना कि ये होगा, मार्केट उसका 100% उसका ऑपोजिट दिखाती है। 2021 का बजट आप ले लें, आप 2022 का नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लें, अभी एक हफ्ते पहले मॉनेटरी पॉलिसी ले लें, 2 दिन पहले का IMF की खबर ले लें, आप सोच के आते हैं कि मार्केट तो बस यहाँ से तो बस आज तो मैं करोड़पति बन के जाऊंगा, आज तो मैं नई गाड़ी लेके रहूंगा। पता चलता है कि आप जब घर पे जाते हो तो आपकी अपनी बाइक जो है वो बेचने का टाइम आ गया होगा। तो डोंट लेट दिस हैपन टू यू अगेन एंड अगेन। देखिए, अगर मैं एक दफा कहीं जा रहा हूं, मुझे एक दफा मेरे पैर में पत्थर आ गया और मैं गिर गया, ठीक है, मैं क्या बार बार उस रोड से जाऊंगा? वॉक कर रहा हूँ तो क्या बार बार उस गली से जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि पहली मरतबा तो शायद मुझसे एक्सीडेंट हो गया, दूसरी मरतबा मुझसे गलती हो गई, बट बार बार मैं करूंगा ना तो ये ब्लंडर होता रहेगा और फिर मैं यूज्ड हो जाऊंगा। पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट। इसीलिए आप देखें ना, पिछले 5 सालों में कितने एक्टिव अकाउंट्स हैं, 5 साल पहले कितने थे, अब कितने हैं, आप हिसाब लगा लें, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज कि पीपल ऑलवेज वो अपने आप को उसी लकड़ी से हमेशा पिटवाना चाहते हैं जिससे पिट चुके हैं, वो नई लकड़ी देखते ही नहीं है, उनको नजर ही नहीं आता। आज से 1 साल पहले लोगों को नजर आता था कि 250 रुपए पे TRG बायबैक होगा, भाई क्यों होगा, क्यों होगा? एक 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 स्टॉक 180 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, कंपनी पागल है उसको अनाउंस करेगी कि हम 250 रुपए पे बायबैक करेंगे, आज बेचारा 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कहां गया 250 रुपए का बायबैक, वेयर इज दैट बायबैक? 1 साल पहले लकी सीमेंट 900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, एंड पीपल वर सेइंग कि तो 1200 रुपए में सस्ता है क्योंकि सैमसंग की डील हो गई है, अब बेचारा लकी सीमेंट 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो वेयर इज दैट डील? तो पीपल ये उनको पीपल को लोगों को खबर उस वक्त दिखाई जाती है जब वो दिखाना चाहते हैं, और लोग बेचारे उस खबर को देख लेते हैं कि बस अब तो यहाँ से छके छके हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं, आई मीन जो पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन इशू ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान जो है वो
खत्म हो जाएगा, मुझे ये बहुत इंशाल्लाह तआला चलता रहेगा। हाँ ये ज़रूर है कि इस तरह के झटके जो है वो आपको मिलते रहेंगे, बिकॉज देखें अगेन जैसे मैं आपको बताऊँ ना कि हम खुद बेहोश हो चुके हैं, हम कहते हैं कि हमारे पता टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आता हूँ, शाम में 7-7:30 बजे घर पहुँचता हूँ, मेरे पता टाइम ही नहीं है कि मैं पेट्रोल के खिलाफ कोई एहतजाज करूँ या कोई आवाज़ उठाऊँ। ये हाँ किसी दावत में जाना हो तो मैं चल जाऊँगा, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करूँगा। तो हम सब यूज्ड हो चुके हैं, हम सब बेहोश हो चुके हैं, और जब तक ये बेहोशी का आलम चलता रहेगा हम यूज्ड होते रहेंगे, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें मतलब ये मैं इस कैपेसिटी में हूँ ही नहीं कि मैं कुछ कमेंट कर सकूँ, क्योंकि मतलब मेरा कोई लेवल ही नहीं है कि मैं कुछ इस पर कह सकूँ ना, मतलब मेरा पॉलिटिकली कोई कोई मेरी से है ना, मेरी कोई उस तरह से वैल्यू है जो मेरी बात सुनी जाए, बट स्टिल ये चलता रहेगा इसी तरह से। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, कि जैसे हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी है और जो हमारे इन्वेस्टर हैं मार्केट में जो बैठे हैं, तो आप उनके लिए लास्ट अपनी एक्सपर्टीज से क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी हो या लोकल इन्वेस्टर हो, मैं अभी यही कहूँगा कि मार्केट में अगले 2 से 3 महीने जो है वो वेट एंड सी का अप्रोच अपनाना चाहिए। बार इंसान ऐसा नहीं है, देखें अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 2500-3000 पॉइंट नीचे आ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे मार्केट एक साथ नीचे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप को प्राइसिंग कर चुकी हैं, जैसे अभी 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान की मोटर्स का बड़ा पैथेटिक रिजल्ट आया था, उसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अपना प्लांट हम शट डाउन कर रहे हैं, फिर उन्होंने कल या परसों अपने उस शट डाउन को एक्सटेंड करने की बात की। PSMC ने मेरे ख्याल से शायद 170 या 172 का लो लगाया था लास्ट वीक, टुडे इट इज़ ट्रेडिंग एट 184 और 187 के इसने हाई लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो खबरें थी या जो खबरें फैलाई जा रही थी वो प्राइसिंग हो चुकी, क्योंकि उसका रेट ऑलरेडी उससे बहुत पहले नीचे आ चुका था। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का रेट खबर आने से बहुत पहले ऊपर आ चुका होता है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये ना देखें कि पूरी मार्केट कहाँ जा रही है और मैं उस भेड़ चाल का हिस्सा बनता, अपनी थोड़ी सी रिसर्च भी करें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको सब्जी वाला कह रहा है कि मैं 500 रुपये किलो आलू दूंगा, तो आप आलू लेके नहीं आ जाएंगे, आप ये देखेंगे कि भाई वो 500 रुपये में वो आलू क्या वर्थ इट है। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि भाई मिसाल है ये स्टॉक आप ले लो या ये स्टॉक बेच दो, जस्ट सी, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देख पाते, लेकिन कम से कम ये ज़रूर देखें कि एक स्टॉक ने अगर 10 रुपये का पे आउट दिया है, ठीक है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो वो जब 10 रुपये का डिविडेंड उसने दिया तो पिछले 2 या 3 महीने में उसने 10 रुपये से ज़्यादा गेन तो नहीं कर लिया। अगर 10 रुपये से ज़्यादा गेन कर लिया है तो इट मीन्स कि वो जो 10 रुपये का डिविडेंड था वो उसमें प्राइसिंग हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा सोच के रखना चाहिए, जब वो एक्स होगा, एक्स डिविडेंड होगा, थोड़ा सा नीचे करेक्ट करेगा, फिर मैं उसको ले लूँगा। ये मेरे ख्याल से ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो वेट एंड सी होनी चाहिए, डू नॉट गो फॉर यू नो हॉट केक्स राइट नाउ। जैसा आपने देखा हमारे साथ इमरान मेमन सर थे, उन्होंने जो अपनी एक्सपर्टीज एडवाइस दी और लोगों को बोला था दे शुड अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, सो अगर आप लोगों को कोई भी मतलब क्वेश्चंस हो कुछ भी हो आप लिंक में अपना मेंशन कर सकते हैं, और सर का भी चैनल है तो आप सर को भी जाके क्वेश्चंस उनको, अगर आपको कोई भी क्वेरी है कुछ भी है तो आप ज़रूर उनके डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप उधर भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।